सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में कुछ नया और बेटर करने का ट्राई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2024 के क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि हमारे पास में लीनियर एलजेब्रा के टॉपिक से पूछे गए थे। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या हमारे पास में, इफ़ ए, एक हमारे पास में मैट्रिक्स ए गिवन है जो कि 2x2 का मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड माइनस ए। ठीक है, करेक्ट। इज अ मैट्रिक्स सच दैट, एक हमारे पास में रिलेशन गिवन है ए स्क्वायर इक्वल टू आई। ठीक है, आई हमारे पास में क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पर डिनोट भी कर दिया गया, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, करेक्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो हमारे पास में इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे अपन, जो हमारे पास में रिलेशन गिवन है दैट इज ए स्क्वायर इक्वल टू आई का, इसको जस्ट अपन सेटिस्फाई करवा देंगे। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है जो कि 2x2 का मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे उसका स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास में क्या है, उसके एलिमेंट्स को मैं लिख रहा हूँ ए बी सी माइनस ए। ठीक है, सिमिलरली अपन ए को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम एलिमेंट्स होंगे इसके भी, ए बी सी एंड माइनस ए। और आई हमारे पास में क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जो कि क्या होता है, 1 1 और यहाँ पर दोनों 0। ठीक है, करेक्ट। तो बस अब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर देंगे, तो क्या आ रहा है बताइए मुझे। जैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर और आएगा बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी। और क्या आएगा हमारे पास में, हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 2 मैट्रिक्स का, रो इनटू कॉलम कर रहे हैं। ठीक है, करेक्ट। तो जब अपन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी और यहाँ से आ जाएगा माइनस ए बी, दैट मीन्स ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे ए सी और यहाँ से माइनस ए से 0 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास में बी सी और आ जाएगा बी सी माइनस प्लस होगा, सॉरी प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू सेम एलिमेंट्स 1 0 1 0। अब आप क्या करिए, इक्वेट कर दीजिए दोनों साइड्स को, एल एच एस आर एच एस को इक्वेट कर दीजिए, तो क्या आएगा, तो आएगा हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू 1, यही आएगा। इन दोनों एलिमेंट को हमने इक्वेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पर है, तो आप जस्ट इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में बताइए, 1 - a² - bc = 0। यही ऑप्शन आपके पास में दिख रहा होगा, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको बताइए मुझे, ऑप्शन सी दिख रहा है, दैट मीन्स जो थर्ड वाला ऑप्शन है ऑप्शन सी, वो क्या हो जाएगा, 1 - a² - bc इज द करेक्ट आंसर। ऑल्दो ये क्वेश्चन सिंगल मार्क के लिए एनफ था, बट ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के पेपर में। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था टेक्सटाइल एंड फाइबर साइंस के पेपर में 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन हमारे पास में है ये क्या है, द 3 eigen values ऑफ द मैट्रिक्स। हमारे पास में एक 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है जिसकी 3 eigen values होंगे, ऑब्वियस है क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसकी 3 ही eigen values होंगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो उनकी 3 eigen values क्या है, एक है 5, दूसरा और तीसरा जो λ2 और λ3 है वो दोनों क्या है, इक्वल है और वो है इक्वल -3 के। ठीक है, करेक्ट। द वैल्यू ऑफ x, हमसे x की वैल्यू पूछी गई है जो कि यहाँ पर अननोन है, ये वाला पार्ट, ये हमसे पूछा गया कि x की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये जो मैट्रिक्स है 3x3 का, इसका आइगन वैल्यूज क्या होगा हमारे पास में, 5 and -3 and -3। करेक्ट, क्वेश्चन क्लियर है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से जो आपको आंसर एकदम थोड़ा सा फास्ट में आ जाए, क्या कर सकते हो, आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, आसानी से आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, यही होता है। इसको अप्लाई करिए, क्या आएगा, सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या है, आइगन वैल्यूज हमारे पास में 5 - 3 and -3, तो 5 + -3 + -3 ये होगा। और सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हमारे पास में ये वाला है,
क्या आ जाएगा बताइए, माइनस टू प्लस वन प्लस वाई, यही आ रहा। इसको सॉल्व करिए, तीन तीन छः, छः में से पाँच जाएगा तो बचेगा एक, वो भी माइनस के साथ में, और यहाँ पे भी आएगा माइनस वन। दैट मीन्स ये कैंसिल हो जाएंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो y की वैल्यू हमारे पास में ज़ीरो आ गई। अब हमें क्या निकालना, x निकालना था, तो अब x कैसे निकालेंगे। अभी हमने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लगाई है आइगन वैल्यूज़ की, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे आइगन वैल्यूज़ की, जो कि क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ऑब्वियस है, जो कि मैंने बहुत बार लेक्चर्स में आपको बताया हुआ। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे और सेकेंड वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ और सेकेंड वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ। तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से हमें क्या आउटपुट मिला, वाई इक्वल टू जीरो मिल गया। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से हमें क्या मिल गया, वाई इक्वल टू जीरो हमें पता चल गया, ठीक है। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैं बार बार ये स्टेटमेंट को क्यों लिखता हूँ, जिससे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये जाके बैठ जाए, अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी यहाँ पर लगा के सॉल्व कर सकता था। बट मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँ, मेरा पर्पस ये है कि आपको कंसेप्ट आपके माइंड में जाके थोड़ा बैठ जाए, जिससे कि आपको रिकॉल करने में आसान हो, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार ये जो इसका स्टेटमेंट है, मैं इसको बार बार लिखता हूँ, जिससे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये जाके बैठ जाए और आपको आसानी से रिकॉल करने में हेल्प मिले, ठीक है। चलिए तो अब क्या करते हैं, इसको प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ क्या होगा, 5 × −3 × −3, यही होगा, क्योंकि आइगन वैल्यूज हमारे पास में क्या दे रखे हैं, 5 − 3 एंड −3, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, तो ओपन करेंगे डिटर्मिनेंट को, क्या आएगा, −2y − 12 − x, क्या आएगा, 2y − 6, और आएगा हमारे पास में −3 − 4 + 1, यही आएगा क्या। एक बार चेक करिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं फिर भी आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। 9 × 9 = 45, तो यहाँ पे आएगा 45, यहाँ पे कितना आएगा बताइए, −2y, और आ जाएगा हमारे पास में 12 × 2 = 24, यहाँ पे आएगा 2xy + 6x, और यहाँ पर आ जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा −3, और 3 × 3 = 9, यही आएगा क्या, चेक करिए, करेक्ट है। तो ये y वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, क्योंकि y का एलिमेंट क्या है, y हमारे पास में क्या है, 0 है। हमने फर्स्ट वाला जो प्रॉपर्टी था आइगन वैल्यू उसका, वो अप्लाई किया था, तो हमें क्या मिला था, y इक्वल टू 0 मिल गया था। दैट मीन्स अब हमारे पास में जो बाकी के बचे पार्ट है वो क्या है, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर है 24 और 9 = 24 और 9 = 33, 33, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में +6x, ठीक। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास में, 45 में से 33 चला जाएगा, कितना बचेगा, 12, और इस साइड में है 6x, ठीक है। तो यहाँ से जैसे आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 6 × 12, दैट मीन्स ऑप्शन जो थर्ड वाला है, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज x की वैल्यू क्या होगी, 2, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले आइगन वैल्यूज की फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लगाई, दैट वॉज सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। उससे हमें क्या मिला, उससे हमें y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई, ठीक है। जब हमने सेकेंड वाली प्रॉपर्टी लगाई, सेकेंड वाली आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टी क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये थी सेकेंड वाली प्रॉपर्टी। जैसे हमने इसको अप्लाई किया, वहाँ पर हमने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया, दैट इज y इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गई एज 2, जो कि हमारे पास में ऑप्शन सी में हमें करेक्ट आंसर के तौर पर दिख रहा है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था इंजीनियरिंग साइंस के पेपर में सिंगल मार्क के लिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प करेगा बाकी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑल दो ये क्वेश्चन सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप एक बार खुद से अटेम्प्ट चाहते कर सकते हो, ठीक है। अगर आप
कर पा रहे हो तो, अदरवाइज आप सॉल्यूशन को एक बार देखो, ठीक है। चलो तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सबसे पहले देखते हैं। लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स हुज आइगन वैल्यूज आर 2, 3 एंड 4। एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए, ठीक है, एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए जो कि क्या है 3x3 का मैट्रिक्स है, करेक्ट। उसकी आइगन वैल्यूज क्या है 2, 3 एंड 4, ठीक है, उसके आइगन वैल्यूज हमें गिवन है 2, 3 एंड 4। लेट आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, करेक्ट। हमारे पास में एक रिलेशन गिवन है ए इनवर्स इक्वल टू दिस इक्वेशन, ठीक है, और ये इक्वेशन के फॉर्म में भी है और ए स्क्वायर भी है और यहाँ पर ए भी है, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया, फॉर सम इंटीजर के नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे पास में बोला गया गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ के इज व्हाट, के की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये वाला जो रिलेशन है वो होल्ड करेगा। तो यहाँ पर आपको अगर आप पहली बार क्वेश्चन को देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ब्लैंक आउट हो जाओगे। बट जो मैं एक प्रॉपर्टी है जो मैंने अपने प्लेलिस्ट में और अपने प्रीवियस के जो सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किए हैं वहाँ पर मैंने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, अगर वो प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगी तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। मैं एक बार वो प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ, आई होप आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं जो मेरे हमारे चैनल पर बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको ये वाली प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पता होगी। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है हमारे पास में, इफ़ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, याद आ गया, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देखो, ठीक है। इफ़ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए देन लैम्डा स्क्वायर विल बी द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी याद है, ठीक है। सिमिलरली इफ लैम्डा रेज़ टू द पावर एन इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए रेज़ टू द पावर एन, दैट मीन्स जितना पावर हम रेज करेंगे मैट्रिक्स के ऊपर सेम पावर हमें रेज करना पड़ेगा उसके आइगन वैल्यूज के ऊपर भी, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, बस इसी कंसेप्ट को अगर आप यहाँ अप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आपको एकदम करेक्ट फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे मिलेगा, चलिए इसी कंसेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है हमारे पास में, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2k इंटू ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 13/k इंटू आई, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमारे पास में जो मैट्रिक्स ए था उसकी आइगन वैल्यूज क्या गिवन थी, 2, 3 एंड 4। तो आप इसमें से कोई भी एक आइगन वैल्यू चूज कर लो, लेट सपोज करता हूँ मैं लैम्डा को सपोज कर लेता हूँ 2, ठीक, लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3, यही है, ठीक है। तो तीन आइगन वैल्यूज हैं 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो अगर हम लैम्डा की किसी भी एक वैल्यू को पकड़ लें, सपोज करिए मैं लैम्डा की वैल्यू अभी पकड़ रहा हूँ लैम्डा 1 इक्वल टू 2, इस वैल्यू को अपन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ए इनवर्स, दैट मीन्स अगर अपन क्या कर रहे हैं, ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास में जो इक्वेशन है मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा 1 इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग मैं इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, अगर लैम्डा इक्वल टू 2 है, लैम्डा 1 इक्वल टू 2 है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू होगा ए इनवर्स का वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास में 1/2, ठीक है, यही होगा ना। मैंने क्या बोला था, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए देन लैम्डा रेज़ टू द पावर एन विल बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए रेज़ टू द पावर एन, ठीक। तो 1/2 के देन ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, 2 का स्क्वायर। मैंने इसके कॉरस्पॉन्डिंग अभी लिया है लैम्डा 1 इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, दैट्स वाई ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा, 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, माइनस 9 इंटू 1 का आइगन वैल्यू क्या है, 2, मैंने 2 लिखा है, तो 9 इंटू 2 विच इज 18 प्लस 13/k इंटू आई। अगर आइगन वैल्यू अगर आप निकालोगे आई का तो क्या आएगा, 1, तो यहाँ पे 1 रख दो, तो 1 ही रख दिया मैंने, ठीक है। अब जस्ट आप इसको सॉल्व कर लो, इसको आप सॉल्व करोगे क्या आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आप मिल जाएगा k इक्वल टू 12। आप एक बार सॉल्व करके चेक कर लो, मैंने ऑलरेडी कर दिया इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ठीक। आप इसको सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, k इक्वल टू 12, जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आप सर बोलोगे कि सर ये आप लैम्डा 1 इक्वल टू 2 कंसिडर कर लिए, लैम्डा 2 इक्वल टू 3 एक बार कंसिडर करके दिखाओ, तो भी आंसर वही आएगा, मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है।
अभी मैंने क्या किया था, अभी मैंने लैम्डा वन इक्वल टू टू कंसिडर किया था, अब मैं लैम्डा टू इक्वल टू थ्री है इसको कंसिडर करूँगा, उसके बाद मैं सारा काम लैम्डा टू इक्वल टू थ्री के ऊपर करता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे तब भी आंसर सेम आएगा, कैसे बताता हूँ। तो अब हमने क्या किया कंसिडर, लैम्डा टू इक्वल टू थ्री कंसिडर किया, ठीक है। तो ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या आएगा, वन अपॉन थ्री, क्योंकि अभी हमने कंसिडर किया है लैम्डा टू इक्वल टू थ्री कंसिडर किया, ठीक है। तो वन अपॉन टू के ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा, अगर लैम्डा इक्वल टू थ्री है तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा, थ्री का स्क्वायर दैट इज नाइन, माइनस नाइन इंटू ए का आइगन वैल्यू क्या होगा, जो थ्री कंसिडर किया है तो नाइन इंटू थ्री विच इज 27 प्लस 13 बाई के आई का क्या है आइगन वैल्यू क्या होगा, वन ही होगा ना, तो वन, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या कर लो, के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, तो आपको क्या मिलेगा, तब भी आपको 12 ही मिलेगा। आप सॉल्व करके चेक कर लो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कि अगर मैं 4 कंसिडर करता तो क्या होता, तब भी यही आता भैया, क्योंकि ये होल्ड करेगा, प्रॉपर्टी है, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए देन लैम्डा रेस्ट टू द पावर एन विल बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए रेस्ट टू द पावर एन, यही प्रॉपर्टी है, यही अपन यहाँ पे सेटिस्फाई करवा रहे हैं, ठीक है। दैट्स इट, इसी कंसेप्ट को आपको लगाना था और आपको आंसर निकालना था। मे बी अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है, दूसरा तरीका है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे को यही वाला तरीका एकदम बेस्ट और सूटेड लग रहा था, क्योंकि इससे आसानी से आंसर आपको मिल रहा था, ठीक है। अगर आपके पास कोई दूसरा मेथड है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसके ऊपर भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। बट दिस वॉज द ईजिएस्ट वे जिसे कि मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। अगर आपके पास हो सकता है कोई दूसरा मेथड हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर हम बात करते हैं। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था इंजीनियरिंग साइंस के पेपर में 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। जो एक्सी का क्वेश्चन होता है मैथमेटिक्स का, वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका अच्छा खासा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स के मैथ्स के क्वेश्चन के कंपेरिजन में, ठीक है। तो देखते इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इससे आपके बेसिक्स का भी क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते इस क्वेश्चन को, लेट पी एंड क्यू बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। हमारे पास में क्या बोला गया है कि पी और क्यू क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, ठीक है, करेक्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज और आर नेसेसरली ट्रू। दैट मींस ये एक क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, एक मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है। दैट मींस एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, पी प्लस 2q इसका स्क्वायर करेंगे तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अगर आप ऑप्शन, मैं इसको सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, ठीक है। तो मैं इसको पी प्लस 2q का स्क्वायर पर क्या लिख सकता हूं, पी प्लस 2q इंटू पी प्लस 2q लिख सकता हूं क्या, ऐसा लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि क्या मैं इसको मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। दैट मीन्स इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर प्लस पी इंटू 2pq प्लस 2qp प्लस 4q2, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ठीक। इसके बाद अगर आपने इन दोनों को ऐड करके 4pq लिख दिया तो फिर आप ब्लंडर कर दोगे, ये अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है भैया, ये क्यों नहीं कर सकते हो आप खुद सोचो, क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि p इंटू क्यू इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू q इंटू p। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है यार, तो कैसे कर सकते हो आप। दैट मीन्स आप 2pq प्लस 2qp को ऐड नहीं कर सकते हो और आप लिख के 4 इंटू क्यू या pq या फिर qp नहीं लिख सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स ये जो ऑप्शन ए वाला पार्ट है, ये तो भैया गलत है, ये तो गलत है, क्लियर है। वो तो आप 4pq लिख ही नहीं सकते हो, वो तो ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या कर सकते हो आप, अब बताओ मुझे। तो अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे तो ये मैच करोगे ऑप्शन डी में,
आपको दिख रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन डी तो करेक्ट है, ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, मैं इसको इरेज करता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, चलिए अब आप मेरे को ये बताओ कि क्या मैं इस पार्ट को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, पी प्लस टू क्यू इंटू टू क्यू प्लस पी लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। एडिशन में आप क्या कर सकते हो, देखो ऐसा कर सकते हो ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए प्लस बी मैट्रिक्स अगर है, कोई ए और बी मैट्रिक्स है, तो आप ए प्लस बी को क्या लिख सकते हो, बी प्लस ए लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, पी इंटू क्यू इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू क्यू इंटू पी। ठीक है, बट ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आप लिख सकते हो, इससे कोई परेशानी नहीं है आपको। सेम चीज़ हमने किया यहाँ पर, पी प्लस टू क्यू को हमने लिख दिया टू क्यू प्लस पी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया, ऐसा लिख दिया। अब अपने को ये बताओ कि अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन सी में दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, करेक्ट एकदम, ऑप्शन सी में पी प्लस टू क्यू इंटू टू क्यू प्लस पी, दैट मीन्स ऑप्शन सी भी है वो जो क्या है वो करेक्ट है। अब बात रही ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी थोड़ा सा ट्रिकी था यहाँ पर करने के लिए। तो कैसे करेंगे ऑप्शन बी के लिए, ऑप्शन बी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पर रीअरेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो आप क्या कर सकते हो ऑप्शन बी के लिए, तो ये हमारे पास में यहाँ पर पी प्लस टू क्यू है और यहाँ पर पी प्लस टू क्यू है, तो आप क्या कर सकते हो, इस पी को मल्टीप्लाई कर सकते हो इस पूरे वाले पार्ट से, तो क्या आ जाएगा, पी इंटू पी प्लस टू क्यू। क्या किया हमने, हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस पी को, इस पी को इस पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो आ गया हमारे पास में ये वाला पार्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, प्लस इस टू क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे पार्ट से, क्या लिख सकते हैं अपन, टू क्यू इंटू पी प्लस टू क्यू लिख सकते क्या ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप इसको रीअरेंज कर दो, क्या लिख सकते हैं, पी इंटू पी प्लस टू क्यू प्लस क्यू को यहीं रहने दो, इस टू को आप अंदर लेके जा सकते हो, तो क्या आ जाएगा, टू पी प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर क्यू लिख सकते क्या ऐसा, बिल्कुल लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगर आप मैच करोगे इस वाले पार्ट को ऑप्शन बी से, तो ये दोनों सिमिलर है, दैट मीन्स ऑप्शन बी भी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपने देखा कि जो हमारे पास में प्रॉपर्टीज होती हैं मैट्रिसेस की, आपको वो पूछा गया था, वो चेक कर रहे थे कि वो आपको प्रॉपर्टीज, जो बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं, वो आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो आई होप ये जो सॉल्यूशन था वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स चैनल पे आते हैं और अगर उनको कंटेंट यूज़फुल लगता भी है तो भी वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूज़फुल लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।